कहावत है कि लगन यदि सच्ची हो तो मेहनत रंग लाती ही है, और इरादे पक्के हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही कर दिखाया मैनपुरी के सत्यम वर्मा ने। लोग जो कभी सपनों में भी नहीं सोच रहे थे कि मुंबई, जयपुर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता जैसे महानगरों में फिल्म सिटी की दुनिया में सुरीली आवाज पर फिल्मों और एल्बम्स में जो शूटिंग होती है, जो सुनहरे पर्दों पर छोटे छोटे कस्बों में सिनेमा हॉल और मोबाइल के माध्यम से देखे जाते रहे हैं, लेकिन मैनपुरी के सत्यम वर्मा ने प्यार का असर एल्बम को रिलीज कर दिखा दिया कि सपने भी सच हो जाते हैं। अगर सपनों पर विचार किया जाए और मेहनत की जाए तो एल्बम रिलीज करने के बाद सत्यम वर्मा ने मैनपुरी का नाम रोशन किया है। सत्यम वर्मा ने प्यार का असर गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है। इस एल्बम में कनक रावत और प्रशांत श्रीवास्तव ने अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में किरदार निभाया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जो म्यूजिक जो बजा रहे हैं आप, ये म्यूजिक किसका बनाया हुआ है और किसने गाया है और इसमें किसने अदाकारी निभाई है इसमें? इसको क्या कहते हैं, कंपोज जो किया है वो अभिषेक वर्मा ने किया है। एबी म्यूजिक के जरिए कंपोज किया गया है जी। और इसको जो डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन मैंने ही दी है, और कंपोज जो है अभिषेक वर्मा के साथ साथ में इसको सिंगिंग जो आवाज़ दी है वो मैंने दी है। एक्टर पे हमारे प्रशांत श्रीवास्तव जो हमारे साथ में आए हुए हैं वो हैं, और एक्ट्रेस में कनक रावत जी हैं। और ये एल्बम हम एक अच्छे लेवल पर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये है जो ना, कब से इसकी शुरुआत कर रहे थे, कब से इस प्रोग्राम में प्रॉपर? पहले तो हमें प्लान करने में पूरा 1 ईयर लग गया था कि हम इसको कैसे स्क्रिप्टिंग करेंगे, कैसे कैसे इसको तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट को रेडी करेंगे। कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा, बट बन के हमारे मिनिमम 6 मंथ पे रेडी हो गया था। फिर लोकेशंस वगैरह में थोड़ा इशू आया था, उसको हमने रेडी करके इसको विद इन 8 मंथ पे हमने प्रॉपर रेडी कर चुके थे। तो अब वो टाइम आ गया हमारा रिलीज करने। अच्छा, गाने का टाइटल क्या है? गाने का टाइटल तो प्यार का सर। अगर ये तेरे प्यार का असर है जो दिल पे मेरे छाया है, ये नगमे चाहतों के तुझसे होकर गुजरे हैं। वेरी गुड। और कहाँ से आप जो ना बिलोंग करती हैं? मेरा नाम कनक रावत है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ये गाने का नाम है प्यार का सर, इसमें आपने क्या किरदार निभाया, किस तरीके से इसको शूट किया? मैंने एक दोस्ती का किरदार निभाया, जो उस टाइम में दोस्ती था, और एक वन साइडेड लव जो कि एक साइड से था, लड़की के साइड से। तो स्टार्टिंग जो मेरी थी वो दोस्ती थी, और लास्ट में जो है वो प्यार में बदल गया, इसलिए ये बताया, मतलब उस पर दर्शाया गया कि प्यार का असर। अच्छा, ये जो ना आपने जो अदाकारी निभाई है, ये समाज को क्या मतलब दिशा देगी? सॉरी, ये जो आप जो अदाकारी दिखा रही हैं, समाज पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या दिशा देगी ये? देखो, असर का तो ऐसा है कि मतलब प्यार आपको पता है हर जगह ही छाया हुआ है। तो बस इसका यही बताया कि एक दोस्ती है, जो कि एक दोस्ती में भी एक प्यार नजर आता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि दोस्ती को एक प्यार का नाम दिया जाता है, बस वही चीज़ बताया गया है। शुभ नाम क्या है वैसे? प्रशांत श्रीवास्तव। अच्छा सर, ये फिल्म सिटी की जो ना आपने जो ये आज कवायद तैयार की है और यहाँ पे आप एक्टिंग कर रहे हैं जी। ये सर, इसकी ललक कब से लगी और कौन कौन सी एल्बम में आपने तैयार की है अब तक? मेरा फर्स्ट एल्बम यही है सर। पहला है? अच्छा, इसका शुरुआत किरदार मतलब जो कैसे मतलब कहाँ से ये तुम्हें मिला है प्रेरणा? सत्यम जी से मिला है या अन्य कोई गुरु है आपका जो जिससे प्रेरणा? अच्छा, आज जो कनक जी के साथ में आप किए हैं, हालांकि ये बता रहे हैं कि उन्होंने पहले भी किया है, तो ये पहला आपने किरदार निभाया, तो किस तरह इसका कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।